नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों आपको कुछ ऐसे फेस्टिवल सीजन बिजनेस के बारे में बताएंगे जिनके अंदर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़े समय के अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और दिवाली दशहरे के ऊपर ये बिजनेस सबसे ज़्यादा चलते हैं और जानेंगे कि कैसे आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इनके लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कितने रुपए आप इनके अंदर कमा सकते हैं और कितने दिन तक आपको ये बिजनेस करने पड़ेंगे, इन सभी बातों के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस्टिवल सीजन बिजनेस के बारे में या फिर दिवाली या दशहरे के ऊपर बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों इंडिया एक त्योहारों का देश है, यहाँ बहुत ज़्यादा त्यौहार बनाए जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से बहुत सारे त्यौहार बनाते हैं। ऐसे दोस्तों हिंदुओं में सबसे बड़े त्यौहार होते हैं दिवाली और दशहरा। दोस्तों हिंदू मान्यता के अनुसार ये सबसे बड़े त्यौहार है और दुनिया में भी बहुत सारे हिंदू इन त्यौहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और दोस्तों ये त्यौहार इतने बड़े हैं कि बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ये त्यौहार लेके आते हैं। इन त्यौहारों के ऊपर बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होते हैं थोड़े से दिन के लिए और अच्छे खासे पैसे लोग इनके अंदर कमाते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली और दशहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ लगती है, लोग अपने घरों को सजाते हैं, घरों की सफाइयाँ करते हैं और गिफ्ट देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन त्यौहारों के ऊपर होती है। तो इन त्यौहारों के ऊपर बहुत से ऐसे बिजनेस है जिनको आप स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस है दोस्तों हाउस क्लीनिंग सर्विस का बिजनेस। दोस्तों दिवाली और दशहरे के ऊपर सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन दोस्तों शहरों के अंदर लोगों के पास समय नहीं होता, इसलिए वे कोई अच्छी हाउस क्लीनिंग सर्विस देखते हैं जिससे वे अपना घर क्लीन करवा सके, सफाई करवा सके, अपने घर को सजा सके, डेकोरेट करवा सके। इसलिए दोस्तों यदि आपके पास अच्छा खासा स्टाफ है या फिर आपकी 5 से 10 लोगों की टीम है तो आप इस दिवाली सीजन के ऊपर हाउस क्लीनिंग सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस है दोस्तों पूजा सामग्री का बिजनेस। दोस्तों दिवाली के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है, इसलिए लोग पूजा सामग्री खरीदते हैं, जैसे लक्ष्मी सजावट का सामान या फिर रंगोली, कैंडल्स, ऐसे बहुत सारी पूजा सामग्री का सामान होता है जो लोग खरीदते हैं और गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ खरीदते हैं या फिर दूसरे पूजा के सामान खरीदते हैं। तो यदि आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और आप महीने 15 दिन के लिए कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप पूजा सामग्री का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पटाखों का बिजनेस। दोस्तों दिवाली के ऊपर और दशहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे त्यौहार है जिनको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसलिए इन त्यौहारों के ऊपर पटाखों का कारोबार करोड़ों रुपये का होता है। तो यदि आप 15 दिन के लिए कोई छोटा सा बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं दिवाली और दशहरे के ऊपर तो आप पटाखों का होलसेल या फिर रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सजावटी लाइट्स का बिजनेस या फिर डेकोरेटिव लाइट्स का बिजनेस। दोस्तों दिवाली और दशहरे के ऊपर सभी लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, जिनके लिए दोस्तों लोग डेकोरेटिव लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके घर जगमगाए और बहुत सुंदर लगे। इसलिए दोस्तों दिवाली के ऊपर और दशहरे के ऊपर अच्छा खासा डेकोरेटिव लाइट का बिजनेस चलता है और बहुत से लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमाते हैं। तो यदि आप सजावटी लाइटों का बिजनेस करना चाहें तो दिवाली और दशहरे के ऊपर सजावटी लाइटों का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस। दोस्तों दिवाली और दशहरे के ऊपर सभी लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं या फिर गिफ्ट देते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग होती है गिफ्ट के रूप में वो देते हैं। तो यदि आप दिवाली और दशहरे के ऊपर अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट की पैकिंग, डेकोरेटिव पैकिंग करके अच्छी सेल कर सकते हैं गिफ्ट के रूप में और दिवाली और दशहरे के ऊपर अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दिए और मोमबत्ती का बिजनेस। दोस्तों दिवाली के ऊपर सभी लोग दिए जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, इसलिए दोस्तों दिवाली के ऊपर दिए और मोमबत्ती की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। आपको शहर के अंदर बहुत से रोड के ऊपर या फिर दुकानों के अंदर दिए और मोमबत्ती की फुल भरमार मिलेगी। आप इनका बिजनेस मेकिंग बिजनेस भी कर सकते हैं, यानी दिए बनाने का बिजनेस कर सकते हैं, मोमबत्ती बनाने का बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप इनका रिटेल का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों टाइप के बिजनेस दोस्तों बहुत अच्छे चलेंगे और बहुत अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फूलों का बिजनेस। दोस्तों दिवाली के ऊपर सभी लोग अपने घरों को सजाते हैं, लक्ष्मी माता गणेश जी की पूजा करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फूलों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यदि आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है या आप गाँव में रहते हैं और आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है तो आप फूलों की खेती करके भी दिवाली के ऊपर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप किसानों से फूल खरीद कर भी रिटेल का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों दिवाली के ऊपर अच्छी खासी डिमांड रहती है फूलों की और
आप इस बिजनेस के अंदर थोड़े से दिन के अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद दोस्तों इंक का बिजनेस, दोस्तों दिवाली के ऊपर यदि आप एक या दो दिन के लिए कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और आप गाँव में रहते हैं तो आप इंक भी सेल करके, जिसे गन्ने कहते हैं, सेल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप देखते हैं कि जब लक्ष्मी माता की पूजा होती है या फिर गणेश जी की पूजा होती है तो अपने घर के दोनों तरफ इंक रखी जाती है और आपको बहुत सकें ये सेल भी होती मिलेगी। आप शहर के अंदर देख सकते हैं दिवाली के ऊपर बहुत ज़्यादा इंक सेल होती है, तो आप इंक या फिर गन्ने का बिजनेस भी कर सकते हैं जिनके अंदर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बिजनेस थे जो आप दिवाली या फिर दशहरे के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इन बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों इन बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप 30 से 50,000 रुपये लगाकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और लगभग एक महीने आप ये बिजनेस करेंगे जिसके अंदर आप अच्छी खासी कमाई करेंगे। जैसे आपकी सेल बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और आप अच्छे लेवल पर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ ऐसे बिजनेस है जिनको आप परमानेंट भी कर सकते हैं, जैसे पूजा सामग्री का बिजनेस हो गया या फिर डेकोरेटिव या फिर पटाखों का बिजनेस हो गया, ऐसे कुछ परमानेंट भी बिजनेस है, या फिर आप 15 दिन से एक महीने के लिए भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 30 से 50,000 रुपये लगाकर और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप डेकोरेटिव लाइट की बात करें तो आप दिल्ली जैसी मार्केट से खरीद कर सस्ते रेट पर खरीदेंगे, वहाँ से दोस्तों फिर आपको बहुत ही थोड़े पैसे मिल जाएगी और फिर आप सेल करके अच्छी खासी कमाई इन बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों आपको बहुत सारा ऐसा सामान है जो गिफ्ट हो गया या फिर डेकोरेटिव लाइट होगी, पटाखे होगी, आपको दिल्ली जैसी मार्केट से बहुत ही सस्ते रेट में मिलेंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट खरीदें और दिवाली के सीजन के ऊपर आप इन बिजनेस के अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों हम पटाखों के लिए, डेकोरेटिव लाइट के लिए, दिए मोमबत्ती के लिए कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आपको होलसेल रेट पर बल्क में सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। फिर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके इन बिजनेस के अंदर अच्छी खासी कमाई इस दिवाली और दशहरे के सीजन के ऊपर कर सकते हैं और अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इन बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके इनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको इनके बारे में कोई भी सवाल या क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित या फिर स्कीम से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।